मेरे प्यारे साथियों, आज हम हरियाणा जीके के हरियाणा खेल करंट अफेयर के प्रश्न करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाएं KVS NUS की तरह TGTC और PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, खेल करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा द्वारा आयोजित की जाने वाली हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा स्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी अब दिसंबर में होना है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा राज्य के खेल करंट अफेयर, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के खेल मंत्री का क्या नाम है। तो हरियाणा राज्य के खेल मंत्री का नाम संदीप सिंह है। संदीप सिंह का संबंध किससे है, हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जो खेल है या खेलो इंडिया यूथ गेम है, वो 2022 में कहाँ आयोजित की जाएंगे। तीन खेलों को पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो हज़ार के खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के कोरोना काल या COVID-19 के चलते भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए। अगला क्वेश्चन हमारा है हरियाणा राज्य के जो खेल सचिव हैं उनका क्या नाम है। तो हरियाणा राज्य के खेल सचिव का नाम है विजय वर्धन है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के जो खेल निदेशक हैं उनका क्या नाम है। उनका नाम पंकज जैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है। तो धाकड़ इसका शुभंकर है। और अब बात करेंगे आगे, इसी में क्वेश्चन है 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी शूटिंग प्रतियोगिता में 564 अंक प्राप्त कर उन्हें स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ठीक है। आप बात करते हैं सौरभ चंद चौधरी ओलंपियन है, ठीक। उसी के साथ हम बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो 2021 का, देखिए 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। तो कितने खिलाड़ी हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को। टोटल खेल रत्न अवार्ड 2000 में दिए गए। अगला क्वेश्चन हमारे इसी में कि राज्य में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद, तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से दिया गया है। और इसी जाते हम बात करते हैं किन किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा को दिया गया है एथलेटिक्स से। इसके बाद मोहित नरवाल को दिया गया है। और इसमें हरियाणा को टोटल 4 प्लेयरों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, इन प्रश्नों को याद करके आप भविष्य में होने वाली हरियाणा तथा उससे संबंधित कंपटीशन की जितनी परीक्षाएं हैं उसका योगदान रहेगा। भारत ने अब की बार ओलंपिक्स में कितने पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में अब की बार 7 पदक जीते हैं, जिसमें इतिहास रचा गया। तो मेरे साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।